नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। मैं आज की वीडियो में काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इसलिए क्योंकि भाई आईफोन 14 प्लस लॉन्च हो गई है और मेरे पास एक नहीं भाई दो दो आईफोन 14 प्लस हैं। एक है मेरे पास प्रोडक्ट रेड, इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट रेड जो मैंने खरीदी है, और दूसरे हाथ पे मेरा है मिडनाइट ब्लैक। सो इन दोनों आईफोन्स को हम आज अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे डब्बे के अंदर क्या क्या है। हम ये भी देखेंगे कि हाउ इज द प्रोडक्ट रेड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल आईफोन 14 प्लस, इसकी साइज कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, दिखने में कैसी है, कलर्स दोनों कैसे दिखते हैं, और ऑब्वियसली यू नो थोड़ा बहुत हम कैमरा वैमरा के बारे में भी देख लेंगे। बट दिस इज नॉट अ डिटेल्ड रिव्यू, ये बस एक इनिशियल इंप्रेशन है ऑफ द आईफोन 14 प्लस, क्योंकि मेरे हाथों में अभी आया हुआ है यार, तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसे जानने में, इसे यूज करने में, और उसके बाद में आपको एक अच्छे तरीके से वीडियो बना करके समझा सकता हूँ कि भाई आपको क्यों लेनी चाहिए आईफोन 14 प्लस, और मैं इसका डिटेल रिव्यू आपको थोड़े दिनों बाद अपने चैनल पे ड्रॉप करके जरूर दिखा दूंगा। तो भाई उसके लिए वेट कीजिएगा, पर आज के वीडियो के लिए भाई अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि भाई मैंने आईफोन 14 प्लस क्यों ली। आपके दिमाग में अगर ये सवाल होगा कि भाई आपने 14 प्रो मैक्स या 14 प्रो क्यों नहीं लिया, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसके कारण मैं आईफोन 14 प्लस ले चुका हूं। इनफैक्ट लेने का सोच भी नहीं रहा हूं, ये रिटेल यूनिट है, रिव्यू यूनिट नहीं है। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मैं ये बता दूं कि मुझे कोई रिव्यू यूनिट्स मिलते नहीं है, मैं हर एक प्रोडक्ट जो है अपने पैसों से खरीदता हूं, और उसके बाद मैं आपको एक ऑनेस्ट यूजर जो रिव्यू होता है, यूजर ओपिनियन जो होता है, वो आप तक पहुंचाता हूं। तो आपको एकदम अनबायस्ड ऑनेस्ट यूजर ओपिनियन या यूजर रिव्यू मिलेगा मेरे चैनल पे। तो भाई यही बोल करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अनबॉक्स करते हैं इन दो ब्यूटीज को। लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। तो मैं फटाफट आपको बताता हूं, मैं इमेजिन सिटी सेंटर 2 पे आ गया था अपनी आईफोन 14 प्लस को लेने के लिए। मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अबाउट द स्टोर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिडनाइट ब्लैक को अनबॉक्स करते हुए। चलो इस सील निकालते हैं इसे, एंड द आईफोन की अनबॉक्सिंग प्रोसेस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतना छोटा सा तो डब्बा है यार, कुछ भी हार्डली होता नहीं है, पर मैं चलो खोल करके आपको दिखा देता हूँ। डब्बे को अगर हम खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा ये बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर, एंड इट्स रियली गुड, इट लुक्स फैंटास्टिक, स्पेशली इस लाइटिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ में जब आप सिलेंगे, पकड़ेंगे इसे, देखेंगे कुछ कुछ एंगल से आपको एक ब्लूइश सा टिंट दिखेगा, बट कुछ कुछ एंगल में ही वो विजिबल है। अगर आपको ब्लैक कपड़े पसंद हैं, ब्लैक गड्डियाँ पसंद हैं, ब्लैक कलर ओवरऑल अगर आपको पसंद है, तो दिस इज़ अ वेरी मैजेस्टिक ब्लैक, यू आर एब्सोल्युटली गोना लव दिस। अब हम चलो चलते हैं प्रोडक्ट रेड की अनबॉक्सिंग करते हैं, और ये डब्बे में भी देखिए आप पूरा रेड, एक अलग सा फील आता है आपको इसे जब आप होल्ड करते हैं। तो चलो इसे भी हम अनबॉक्स करते हैं और फटाफट देखते हैं। सेम चीज़ यार, आई मीन अनबॉक्सिंग तो सेम ही होने वाला है। फिर पट्टियों को खोलेंगे हम, सील को देखो, खोल दिया। ये एकदम ब्रांड न्यू रिटेल बॉक्स है, ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है। मैं स्टोर पे खड़ा हूँ, पैसे दे कर के ले रहा हूँ, तो आपको ये क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि ये क्लियरली एक रिटेल यूनिट है, नॉट अ रिव्यू यूनिट। सो इसे भी हम खोलते हैं, डब्बे को फटाफट उल्टा कर देते, इनफैक्ट सीधा कर देते हैं यार उल्टा था तो ओ माई गॉड मैन, आई मीन दिस कलर इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रोडक्ट रेड जो एप्पल ने लॉन्च की है, एंड दिस लुक्स लाइक अ फेरारी रेड। इनफैक्ट इतनी ब्राइट है ना कि इट इज़ वेरी स्पोर्टी, एंड यू कैन एब्सोल्युटली लव दिस कलर यार। द मोमेंट आई हेल्ड इट इन माई हैंड आई फेल इन लव विद इट। वो पट्टी भी खोलते हैं, पहली बार जब आप उसे खोलते हैं ना मैन, आपको मजा आ जाता है। सो दिस इज द सिंपल, वेरी सिंपल अनबॉक्सिंग प्रोसेस। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ इज़ द प्रोडक्ट रेड डिफरेंट एंड व्हाट इज़ डिफरेंट। अब बॉक्स में तो सेम ही चीज़ें हैं यार, तो अगर मैं बॉक्स को खोलूँगा, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। आपको कुछ पेपर वर्क मिलेंगे यहाँ पे, दैट्स इट, एक पिन मिल रहा है। और प्लीज़ नोट कीजिएगा, आप अगर अमेरिकन मॉडल लेंगे ना, उसमें आपको ये सिम कार्ड का पिन नहीं मिलेगा, बिकॉज अमेरिका में सिर्फ आपका ई सिम वाला मॉडल ही अवेलेबल है। तो हम काफ़ी खुश नसीब हैं आप बोल सकते हैं कि हमें ये सिम कार्ड वाला ट्रे मिल रहा है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल वैवल करते हैं ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आपके पास सिर्फ ई सिम हो। और क्या मिलता है इसके अलावा यार, थोड़ा पेपर वर्क है और एप्पल का स्टिकर, जस्ट लाइक एनी अदर आईफोन का अनबॉक्सिंग, तो वेरी सिमिलर, ऑलराइट। और इसके अलावा आपको ये चार्जिंग केबल मिल रहा है। ये चार्जिंग केबल की अगर मैं बात कर लूँ, चार्जिंग केबल इज़
आप प्लीज नोट कीजिएगा, दिस इज USB-C टाइप 2 लाइटनिंग केबल है ना। तो USB-C लाइटनिंग है और दोनों ही डब्बे में ऑब्वियसली सेम ही है। प्रोडक्ट रेड में सिर्फ आपको एक कार्ड एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो है ये प्रोडक्ट रेड कार्ड। तो आपको सेम चीज मिल रहा है, यहाँ पे पेपर वर्क मिल रहा है, सिम कार्ड का ये मिल रहा है पिन, और इसके अलावा ये स्टिकर, पर इसके ऊपर आपको ये प्रोडक्ट रेड मिल रहा है, क्योंकि ये आपका है एक पार्टनरशिप विद रेड, ताकि एप्पल कॉन्ट्रीब्यूट कर सके एक हिस्सा आपके इस आईफोन परचेस का टू द ग्लोबल फंड टू सपोर्ट HIV या एड्स प्रोग्राम्स एंड हेल्प्स डिलीवर एन एड्स फ्री जनरेशन। तो इसके बारे में आप और अगर जानना चाहते हैं तो ये वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई डोंट नो हाउ वेल द कैमरा विल बी एबल टू पिक दिस अप, मैं जूम करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बट काफ़ी छोटा है टेक्स्ट, बट या सो दैट्स अबाउट इट। डब्बे में यही है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बाकी सब सेम है। डब्बे को अगर मैं बंद करूं और आपको ऐसे यहां साइड से दिखाऊं, तो यहां पे आपका हो गया आईफोन, यहां पे रेड कलर पे लिखा हुआ है और यहां पे ब्लैक कलर पे लिखा हुआ है। नीचे में देखिए प्रोडक्ट रेड का रेड रेड है, यहां पे भी रेड रेड है, यहां पे भी रेड है प्रोडक्ट रेड पे, यहां पे काला है। पीछे में बस कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि सीरियल नंबर बारकोड भी यहां पे लिखा हुआ है, सो दैट आई डोंट वांट टू शो यू। पर आपने इसकी अनबॉक्सिंग तो देख ही ली है, तो चलिए भाई अभी मैं आपको फोन्स भी दिखा देता हूँ कि क्या इंप्रेशन है मेरे फोन्स को लेकर के। ओके, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इन दोनों फोन्स पे केसेस लगा लिए हैं और दोनों फोन्स पे मैंने टेम्पर्ड ग्लास भी लगा लिया है। मैं आपको भी हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही फोन खरीदते हैं ना, एक टेम्पर्ड ग्लास और एक केस जरूर ले लीजिएगा। अगर आपको केस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ सकता हूँ केस की इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऑनलाइन खरीदी है। एक या दो केसेस मैंने एक्चुअली मैं एप्पल के इमेजिन स्टोर से ली थी, तो वो ऑब्वियसली ऑनलाइन नहीं है तो मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊंगा। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों ही काफ़ी तगड़ी स्क्रीन्स हैं, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट है, सिर्फ कलर इसका डिफरेंट है। स्क्रीन साइज अब हो गया है 6.7 inch एंड दिस इज द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑन अ स्टैंडर्ड आईफोन। यस, वापस से कहता हूं, दिस इज द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑन अ स्टैंडर्ड आईफोन, क्योंकि इसके पहले आपको बड़ी साइजेस जो है वो सिर्फ प्रो मॉडल्स में अवेलेबल थी। आपके पास मिनी वाला ऑप्शन था, पर ये वाला जो ऑप्शन है वो पहले बार आपके लिए अवेलेबल है अब, एंड आई रियली लाइक दिस बिग साइज। तो अब हम बताते हैं कि साइड में इसका कुछ चेंज हुआ है। साइड में इसका बेसिकली कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट व्हाट आई डू वांट टू शो यू इज आई वांट टू स्पेशली टेक आउट दिस प्रोडक्ट रेड, क्योंकि मे बी दिस केस विल नॉट डू जस्टिस टू हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स। तो मैं इसे केस से अभी निकालता हूं और मैं आपको इसकी कलर दिखाता हूं। दिस आई बिलीव इज द ब्राइटेस्ट रेड दैट आईफोन हैज एक्चुअली पुट आउट, एंड इनफैक्ट अगर आप बोलेंगे ना, इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ फेरारी रेड। लुक एट दैट, आई मीन आप मुझे बताइए आपको कैसे लग रहा है ये। आई मीन ये कलर जो है मेरे हाथ में, इट लुक्स एब्सोल्यूटली स्टनिंग यार, आई मीन माइंड ब्लोइंग इजन इट। लेट मी नो वॉट योर थॉट्स आर। और आप अगर इस साइड पे देखेंगे तो इस साइड में आपका सिर्फ एक पावर बटन है, यहां पे ये रहा आपका पावर बटन। अब इस साइड में आ गए वॉल्यूम टॉगल्स, यहां पे है, और आपका ये रिंगर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। और यहाँ पे सिंस ये इंडियन मॉडल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक सिम कार्ड का ऑप्शन भी है, सो एक सिम ट्रे भी है यहाँ पे, विच इज रियली गुड। पीछे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो कैमराज हैं, और दो ही कैमराज है क्योंकि ये 14 मॉडल है, 14 प्लस है, पर यह नॉर्मल 14 आप बोल सकते हैं इसे, तो ये आपका प्रो मॉडल नहीं है। इसलिए इसकी जो कैमरा जो ये मॉड्यूल है वो बड़ी नहीं है लाइक द प्रो मॉडल्स। पर अगेन टेल मी अबाउट दिस कलर गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रेड कलर। और इसे मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ क्योंकि मैं अब ये मिडनाइट ब्लैक को भी केस से निकाल के आपको दिखाता हूँ कि मिडनाइट ब्लैक कैसे लग रही है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने दूसरे कलर्स भी देखे जब अपने शोरूम पे थे, वी चेक आउट द अदर कलर्स इज वेल, एंड आउट ऑफ ऑल द कलर्स हमें ये रेड और ये ब्लैक सबसे अच्छी लगी। वापस मैं आपको ब्लैक भी दिखाता हूँ, एंड लुक एट दैट मैन, अमेजिंग। अगर आप
यू नो शौकीन हैं ऑफ ब्लैक कलर्स लाइक ब्लैक कार्स, जैसे अगर आपके पास टाटा हैरियर ब्लैक हो गया या कोई भी ब्लैक कार हो गई, तो यार आप ये डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। ये जो ब्लैक है ना, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्लूइश, अ वेरी स्लाइट ब्लूइश टिंट, कोई कोई जो एंगल से वो दिखता है, कैमरा पे पता नहीं ये पिकअप हो पाएगा कि नहीं। आप अगर इस साइड में भी आएंगे ना, ये भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई रियली लाइक द एल्यूमिनियम फिनिश ओवर द स्टेनलेस स्टील फिनिश जो प्रो मॉडल्स में आती है। नाउ आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट लाइक दिस मैट फिनिश, इट जस्ट लुक्स बेटर। येस ऑफकोर्स यहाँ पे ग्लॉस है, तो इट इज अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इट गैदर्ड अ लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट्स, वो भी मैं बोल सकता हूँ। तो ब्लैक कलर अगर आप ले रहे हैं और अगर आपने केस नहीं चढ़ाया ना, प्लीज नोट कि इट्स गोना बी अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट, तो वो आपको ध्यान पे रखना है। पर हाँ, अगर आप केस लेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ आप केस जरूर ले लीजिएगा, केस लेने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा एटलीस्ट फिंगरप्रिंट्स का, अदरवाइज इट्स अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। बट बोथ दीज कलर्स यार, आई मीन टेक अ लुक एट इट अगेन, यहाँ पे रख दे रहा हूँ विदाउट द केसेस अटैच्ड ऑन इट, एंड यू लेट मी नो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सी कलर और अच्छी लग रही है, एंड आपका क्या गेस है यार, कौन सा वाला मैंने अपने वाइफ के लिए लिया है और कौन सा वाला मैंने खुद लिया है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ऑल राइट, डू यू थिंक मैंने रेड लिया है या मैंने वाइफ, मेरे वाइफ को यू नो रेड मैंने गिफ्ट किया था, वो भी आप गेस करके कमेंट में बता दिएगा, आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो। बट या आई वुड से कि दीज आर यूनिवर्सल कलर्स, प्रीटी यूनिसेक्स, तो इट डज नॉट मैटर चाहे आप रेड ले ब्लैक ले, आई थिंक मेल फीमेल बोथ ऑफ देम कैन एक्चुअली एंजॉय दीज कलर्स। ओके, तो अब मैं बताता हूँ आपको सम ऑफ द की रीजंस एज टू व्हाई आई चोज आईफोन 14 प्लस ओवर द प्रो मैक्स। तो मैंने प्रो मैक्स क्यों नहीं ली? ओके, तो मैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रीजंस आपको बताऊंगा। रीजन नंबर 1, ऑब्वियसली इसकी प्राइस है यार। इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो मैं 6.7 इंच वाली मॉडल को कंपेयर करूंगा विद द प्रो मैक्स, नॉट विद द प्रो, क्योंकि 6.7 वर्सेस 6.7 इट मेक्स मोर सेंस टू मी, है ना। तो इसका प्राइस तो आप अगर राउंड फिगर ले लें तो 1,00,000 रुपये। अगर आप आईफोन प्रो मैक्स को ले लें, 14 प्रो मैक्स को, उसका राउंड फिगर अगर मैं कर लूँ फॉर द सेम 256 GB मॉडल, वो आ जाएगा आपका करीबन 1,40,000 रुपये में। तो 40,000 रुपये का डिफरेंस है यार। उस प्राइस पे ना अगर मैं 10,000 रुपये ज़्यादा और दूंगा तो मुझे पिक्सल 7 मिल जाएगा जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा और पैसा दूंगा ना तो मुझे iPad भी मिल सकता है उस प्राइस पे। तो प्राइस वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द की फैक्टर्स एज टू वाई मैंने चूज की आईफोन 14 प्लस। रीजन नंबर 2, मैंने आईफोन 14 प्लस क्यों ली? रीजन नंबर 2 इज बिकॉज अगर आप आईफोन 14 प्रो ले रहे हैं तो इट देयर नीड्स टू बी अ रीजन फॉर दैट एज वेल। ये वो सब कुछ कर सकता है जो आईफोन 14 प्रो कर सकता है, इसमें सिर्फ कुछ चीजें मिसिंग है। द बिगेस्ट थिंग दैट इज मिसिंग इज अ टेलीफोटो लेंस, और उस टेलीफोटो लेंस से आप क्या कर सकते हैं, आपको डेप्थ की इंफॉर्मेशन और ज्यादा मिलेगी। आप मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं काफी अच्छे से, बिकॉज यू नो देयर इज अ कैमरा व्हिच उसकी कैमरा जो है वो और बेहतरीन है, तो इट डबल्स अप एज अ मैक्रो कैमरा एज वेल। और उसके अलावा अगर आप आईफोन 14 प्रो मैक्स को ले लें तो उसमें आपको मिलेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट भी जो इसमें मिसिंग है। बट लेट मी गेट टू द 120Hz रिफ्रेश रेट लेटर ऑन, क्योंकि मैं थोड़ा सा बह गया था। आई वाज टॉकिंग अबाउट द कैमरास। तो कैमरास के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैं एक वीडियोग्राफर नहीं हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ चढ़ाता हूँ, पर वो मेरे धंधे का काम नहीं है। ये ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप फोटोग्राफर हैं, अगर आप वीडियोग्राफर हैं, अगर आप प्रो रेज में शूट करते हैं, बिकॉज दैट्स द मेन डिफरेंस। ये अगर कैमरा में आप देखेंगे, इसके और उसके कैमरा में, उसका कैमरा जो है वो आपको प्रो रेस में भी शूट करके दे सकता है, लेकिन आप प्रो रेस की फाइल साइज को अगर देखेंगे ना, चाहे वो फोटोज हो गए या फिर वीडियोज ही क्यों ना हो गए, उसकी फाइल साइज भी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी वड्डी वड्डी फाइल साइज है। तो उन वड्डी वड्डी फाइल साइजों के कारण अगर आपको आईफोन 14 लेना भी है वीडियोग्राफी के लिए या फोटोग्राफी के लिए, तो भाई आपको ऐसा मॉडल लेना होगा विच इज एटलीस्ट मिनिमम 512 GB, क्योंकि आप 256 GB से प्रोरेस में रिकॉर्ड तो कर नहीं पाएंगे। और फोटोज भी अगर आप लेंगे ना, एक एक फोटोज का साइज होगा करीबन 65-70 MB, जो काफी बड़े हैं यार फोटोज के हिसाब से। और वीडियोज तो भाई
अलग ही लीग में, अलग ही कैटेगरी में इन टर्म्स ऑफ फाइल साइज। दूसरी बात ये कि अगर मैं चलो प्रोरेस में रिकॉर्ड भी कर लिया ना मैंने, अगर मुझे वो फाइल ट्रांसफर करना है कहीं पे, यार इसमें अब भी USB-C आता है, सॉरी लाइटनिंग केबल आता है, USB-C नहीं आता है इनफैक्ट। तो इसकी जो ट्रांसफर स्पीड्स हैं, अगर मुझे यहाँ से किसी और डिवाइस पे डालना है वो प्रोरेस फाइल, यार सदियां बीत जाएंगी, सदियां। क्योंकि इसकी जो स्पीड है ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स इज नोवेयर क्लोज टू USB-C। तो इसके कारण हाँ, मन में ये सवाल हो सकता है, आपके दिमाग में बात आ सकती है कि भाई कैमरा तो मज़ा नहीं आया यार, इसमें दो ही कैमरा, उसमें तीन है। पर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो दो कैमरा है ना, इट कैन डू एवरीथिंग दैट दोस थ्री कैमराज कैन डू, एक्सेप्ट फॉर मैक्रो शॉट्स एंड एक्सेप्ट फॉर द टेलीफोटो का जो जूम इन वाला फीचर है। ये 4K में रिकॉर्ड कर सकता है, सिनेमैटिक मोड सेम कर सकता है, आपका फ्रंट कैमरा जो है वो हूबहू सेम है, इट्स गॉट एन अपग्रेड, इसमें भी वो सेम कैमराज हैं जो 14 प्रो मैक्स में हैं। तो अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करते हैं, इट इज गोइंग टू बी द सेम, एकदम सेम। तो इसलिए इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस फॉर मी टू बाय एन आईफोन 14 प्रो मैक्स फॉर द प्रो रेज, मेरे लिए पर्सनली सेंस नहीं बनता है। हाँ, अगर आप वीडियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, अगर आप एक धंधा चलाते हैं और उससे आपके घर पे पैसा आ रहा है, देन इट मेक सेंस। पर प्लीज नोट कीजिएगा, 512 GB भी शायद आपके लिए कम पड़ जाए अगर आप प्रोरेस में शूट करेंगे। तो अगर आप आईफोन 14 प्रो मैक्स ले रहे हैं, देन यू माइट हैव टू गो इन फॉर अ मच हायर मॉडल लाइक 512 या इनफैक्ट 1 TB। और आपको तो पता ही है 1 TB का प्राइस कितना है यार, इट्स लाइक एक या दो किडनी बेचने पड़ जाएंगे शायद, है ना। तो काफ़ी महंगी है, अगेन इट बॉयल्स डाउन टू प्राइस, विच इज़ माई रीजन नंबर 1। बट सेकेंडली ये वो सब चीज़ कर रहा है विच गिव्स मी मोर मोटिवेशन टू बाई दिस ओवर दी आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो ये था मेरा दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न ये है कि भाई दिस हैज़ द बेस्ट बैटरी लाइफ इन एन आईफोन एवर, पीरियड। ओके, iPhone 14 Pro Max की भी बैटरी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है, काफ़ी दूसरे यूट्यूबर्स को भी देखा है जो विदेशी यूट्यूबर्स हैं, जैसे मार्कस ब्राउनली हो गया, हुज़ द बॉस हो गया, तो इन सारों के यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा हुआ है कि बैटरी के मामले में iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro और Pro Max को पीछे छोड़ जाएगा। आई मीन इन द सेंस लाइक ये बहुत आगे निकल जाता है, तो इसकी बैटरी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेटर है। कुछ रीजंस जिसके कारण ये बेटर हो सकता है, नंबर 1, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है नहीं, एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट फॉर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मुझे इनफैक्ट कोई लाभ ही नहीं है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। जब मैं फोन टेबल पे रखता हूँ ना, मैं तो विश करता हूँ कि भाई कोई पिंग ना आ जाए, और अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रख भी दिया हूँ तो हमेशा वो पिंग मुझे दिखता जाएगा। सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम रियली फॉन्ड ऑफ। और जिस तरीके से ना एप्पल ने वो इम्प्लीमेंट भी किया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस एज वेल, कुछ एंड्रॉयड फोन्स में भी उससे ज्यादा एक्चुअली में आपके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसलिए बैटरी लाइफ के कारण आई चोज द आईफोन 14 प्लस ओवर द आईफोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स। तो अब आपके मन में ये मेरे तीन प्राइमरी रीजंस थे। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे भाई चलो ये सब तो ठीक है, पर व्हाट अबाउट डायनामिक आइलैंड यार, वो तो एकदम नई नवेली चीज है ना, तो डायनामिक आइलैंड का किया? तो भाई उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। अब ये हो गया यार मेरा मोटो G32। डायनामिक आइलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये अब एक ऐसा फोन है जो कितना 12,000 रुपए में मिल जाएगा आपको मार्केट में। तो चलो भाई, सबसे पहली चीज तो ये 90Hz का डिस्प्ले मुझे दे रहा है, जबकि मेरा आईफोन इज गिविंग 60Hz। पर हाँ, टच सैम्पलिंग रेट इज फार बेटर ऑन द आईफोन, देयर इज नो डिनाइंग दैट, सो आई वोंट गो देयर, वो एक इतना सॉलिड रीज़न है नहीं। पर चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ डायनामिक आइलैंड की, सिंस हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये गाना मैं थोड़ा सा चलाता हूँ, ये रहा मेरा डायनामिक आइलैंड, आपने देखा, दिस इज अ डायनामिक आइलैंड, देखिए मस्त चल रहा है, नहीं चल रहा है, मस्त चल रहा है यार। आई मीन इट वर्क्स नॉट जस्ट इन दिस, क्योंकि अब मैं म्यूजिक में था राइट, अगर मैं क्लॉक में भी चला गया, सपोज मैंने एक टाइमर चलाया है अभी जस्ट लाइक आईफोन, अगर मैं आप बोल सकते हैं कि ठीक है 11 मिनट प्ले किए यहाँ पे,
होम स्क्रीन पे गया, यहाँ पे टाइमर दिखा रहा है और ठीक साइड में मेरा जो एप्पल म्यूजिक था वो चला गया है। तो इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द डायनामिक आइलैंड, ऑलमोस्ट द सेम। इफ आई गो हियर, देखिए ये है मेरा टाइमर वापस से, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा इट गोज इनटू द टाइमर एज वेल। सो डायनामिक आइलैंड इज समथिंग दैट कैन इजीली, इनफैक्ट समथिंग कैन क्या, समथिंग दैट ऑलरेडी हैज बिन कॉपीड ऑन एन एंड्रॉयड फोन। और ये है एक 12,000 रुपये का फोन यार, आपको पता है व्हाट डज दैट मीन? आई कैन बाय ऑलमोस्ट 10 फोन्स लाइक दिस इन दिस प्राइस, इन द प्राइस ऑफ दिस फोन। और इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट 15 फोन खरीद सकता हूँ लाइक दिस इन द प्राइस ऑफ एन आईफोन 14 प्रो मैक्स। और डायनामिक आइलैंड इस 12,000 रुपये के फोन पे भी है। सो आई डोंट रियली केयर फॉर द डायनामिक आइलैंड मच। एक चीज जो मैं कहूंगा मैं डेफिनेटली मिस करूंगा ऑन द आईफोन 14 प्लस, एंड आई विश कि उन्होंने वो दिया होता ये आईफोन 14 प्लस मॉडल पे भी। एंड देयर इज ओनली दैट वन थिंग दैट आई वुड मिस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, दैट इज द ओनली थिंग मैं कहूंगा कि मैं मिस करूंगा ओवर द आईफोन 14 प्रो मैक्स। अच्छा होता अगर उन्होंने इस प्राइस पे दे दिया होता। एंड यार आज के जमाने में एंड्रॉयड फोन्स विच आर मच मच चीपर, इनफैक्ट 25% ऑफ द प्राइस, 20% ऑफ द प्राइस, हैक अगर आप सैमसंग F23 ले लेना, इट इज ऑलमोस्ट ओनली 13,000 रुपीज, उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। यार एप्पल आप क्या कर रहे हो? तो ये मुझे जरूर मिसिंग लगती है, पर आई हैव एन iPad Pro तो प्रोमोशन मुझे उसमें मिल जाता है विद 120 हर्ट्ज। मैं इतना मिस नहीं करता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, पर हाँ फोन पे होता तो अच्छा होता। आई थिंक दैट इज द ओनली रियली गुड वैल्यू वाली जो फीचर है दैट इज मिसिंग ऑन द 14 प्लस। अपार्ट फ्रॉम दैट द 14 प्लस आई थिंक इज एब्सोल्युटली वर्थ योर मनी इन दिस प्राइस पॉइंट, एंड डेफिनेटली गो फॉर इट फॉर द बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। फ्रंट कैमराज मैं वापस से बता रहा हूँ, दीज आर द सेम फ्रंट कैमराज विच आर ऑन द 14 प्रो एंड द प्रो मैक्स, सेम कैमरा सेम क्वालिटी, 4K पे आप सिनेमैटिक वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। सो इज़न्ट दैट फैंटास्टिक? स्क्रीन साइज द सेम, डायनामिक आइलैंड डोंट केयर प्रीटी मच फॉर इट, आई ऑलरेडी हैव इट ऑन एन एंड्रॉइड फोन एज वेल। सो दीज वर ऑल द रीजंस एज टू व्हाई मुझे अपना आईफोन 14 प्लस और ज्यादा सेंस लगा खरीदना ओवर द आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स स्पेशली। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। एंड मैं आपको एकदम बोलते हैं ना आम आदमी की सोच, क्योंकि यार पैसे जब आप खर्च करते हैं ना, हार्ड अर्नड मनी अपनी जब खर्च करते हैं, तो आपका ऐसा कुछ लेना चाहिए जो आपको वैल्यू फॉर मनी दे। एंड दिस इज दैट प्रोडक्ट फ्रॉम एप्पल, एंड मुझे कोई शक नहीं है कि दिस इज गोना बी द टॉप मोस्ट सेलिंग आईफोन दिस ईयर एटलीस्ट फ्रॉम द 14 सीरीज, बिकॉज दिस इज रियली गुड। एक और चीज जो मैं एप्पल से ये कंप्लेन है मैं कहूंगा कि यार डब्बे में आप एक चार्जर भी नहीं देते हैं यार। आप 1,00,000 रुपए फोन के लिए चार्ज कर रहे हैं, आप जो भी बोल सकते हैं यू नो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, यार एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, मैं कहीं और जाके वो चार्जर खरीदूंगा, राइट और रॉन्ग? अगर मैं कहीं और जाके खरीदता हूँ तो यार वो तो इनफैक्ट अपने पैकेजिंग में बहुत सारा प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं। सो इनडायरेक्टली आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग वर्स टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि नाउ आई हैव टू बाय अ चार्जर फ्रॉम अ पर्सन और अ कंपनी विच स्पेंड्स मोर क्या बोलता है प्लास्टिक इन द पैकेजिंग। तो हाउ आर यू एक्चुअली सेविंग द एनवायरनमेंट? मुझे ये लॉजिक कुछ एक्चुअली में समझ में नहीं आया। तो ये यार मुझे काफ़ी खराब लगता है, एंड वो जरूर मेरी कंप्लेन रहेगी। पर अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वीडियो अबाउट 14 प्लस, डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट 14 प्लस। मुझे ऐसा लगता है अगेन दैट दिस इज अ पैसा वसूल प्रोडक्ट, एंड दिस इज गोना बी डेफिनेटली द टॉप मोस्ट सेलिंग आईफोन दिस ईयर मेरे हिसाब से। आई कैन बी रॉन्ग बट मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, स्पेशली गेट इट फॉर द बैटरी लाइफ एंड द कैमराज आर ऑल्सो ग्रेट। मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको इसकी कैमरा क्वालिटी भी बताऊंगा। मैं इसे कंपेयर करूंगा अपने DJI पॉकेट 2 से भी कुछ फुटेज, और आप देख सकते हैं कि यू नो कैसा है। इस वीडियो में शायद मैं एक स्निपेट डाल दूँ आपके लिए ताकि आप देख सकें इसकी जो सिनेमैटिक वीडियो की क्वालिटी है, इनडोर लाइटिंग कैसी है, तो वो आप देख के मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे हिसाब से तो एजेस वेजेस काफ़ी अच्छे तरीके से ये डिटेक्ट करता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझे। इनफैक्ट इतना नॉइज भी नहीं लगा मुझे, क्योंकि जब मैं आईफोन 11 प्रो मैक्स से सेम एनवायरनमेंट सेम लाइटिंग कंडीशन में जब रिकॉर्डिंग करता था तो मैंने डेफिनेटली नोटिस किया था कि वीडियो में काफ़ी नॉइज था।
तो वो नॉइस मुझे यहाँ पे नहीं दिखा, तो इसकी इंडो लाइटिंग एंड लो लाइट परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली इज वे बेटर देन द आईफोन 11 एंड द 11 प्रो मैक्स. तो इफ यू आर ऑन 11 यू डेफिनेटली शुड अपग्रेड यार, आंख बंद करके. इनफैक्ट इवन इफ यू आर ऑन द 12 यू डेफिनेटली शुड अपग्रेड टू द आईफोन 14 प्लस. इफ यू ऑन द 13 मैं कहूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू जस्टिफाई दैट जंप, बिकॉज द ओनली थिंग दैट चेंजेस मेनली इज दैट नाउ यू कैन शूट सिनेमैटिक मोड इन 4K. उसके अलावा प्रोसेसर सेम है, मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स आर द सेम. लो लाइट परफॉर्मेंस 13 टू 14 इज नॉट अ वेरी बिग जंप. तो 13 से 14 पे जाना इतना जस्टिफाइड मुझे दिखता नहीं है पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे. पर हाँ, अगर आप 11 पे हैं, अगर आप 12 पे हैं, चाहे वो 12 की नॉर्मल सीरीज हो या प्रो सीरीज हो, आपको डेफिनेटली ये 14 प्लस या इवन द 14 या 14 प्रो एंड प्रो मैक्स को कंसिडर करना चाहिए एंड यू शुड मेरे हिसाब से अपग्रेड योर फोन्स. तो भाई ये रहा आईफोन के बारे में. होपफुली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो. मैंने आपको इस वीडियो में अपने कुछ कुछ रीजंस बताए. आपके क्या रीजंस हो सकते हैं टू बाय द आईफोन 14 प्लस, आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा. ओके, लास्ट मैंने सोचा एक बोनस रीजन भी डाल दूं और वो भी मैं रिकॉर्ड कर लूं आईफोन के कैमरा से, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी है. तो मैं अभी आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूँ. नंबर वन, 4K सिनेमैटिक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 24 FPS में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रंट फेसिंग कैमरा से. तो रेयर फेसिंग कैमरा नहीं है ये, या रेयर कैमरा, रेयर फेसिंग क्या बोल रहा हूँ यार, क्या हो गया. सुबह सुबह यार, दूसरी बात, सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ. जो लास्ट आपने कंटेंट देखा वो करीबन 1 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा था, ये मैं उठ गया था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए करीबन 8 बजे. तो सुबह सुबह यार ठीक से सोया नहीं हूँ, देख सकते हो गए आप, एक्साइटमेंट में नींद भी नहीं आ रही थी. तो ऑडियो भी इसका मैं आईफोन से ही एक्चुअली मैं कैप्चर कर रहा हूँ, मैंने कोई माइक कनेक्ट नहीं किया. तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप अंदर एक रूम में बैठे हुए हैं तो कैसा वॉइस साउंड एक्सेट्रा वो कैप्चर करता है. तो क्वालिटी आप बताइए कैसी है. और प्लस मैं आपको बोनस रीजन बता देता हूं कि वाई दी आईफोन 14 प्लस. बोनस रीजन ये है कि भाई जब आप रीसेल करने जाएंगे, और ये बहुत लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि रीसेल वैल्यू आपको प्रो मॉडल्स की उतनी नहीं मिलती है. अब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि जब मैंने 11 प्रो मैक्स को रीसेल किया, मुझे उसकी अप्रोक्सीमेटली जो रीसेल वैल्यू थी फॉर द 256 GB करीबन सिर्फ 32,000 रुपीज मिली. और मेरी वाइफ की जो आईफोन 11 थी उसके लिए अपने को 21,000 मिला. अब जब आप इसकी ओरिजिनल परचेस रेट भी पकड़ेंगे, आईफोन 11 प्रो मैक्स वॉज वे मोर एक्सपेंसिव देन द आईफोन 11. तो रीसेल वैल्यू में भी आपको वो फायदा नहीं मिलेगा फ्रॉम एन आईफोन प्रो या आईफोन प्रो मैक्स इन दिस केस. उनका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है. लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई प्रो मैक्स, स्पेशली द 11 प्रो मैक्स तो चलती वाली मॉडल है नहीं, तो ये तो उन्होंने ऑब्वियसली डिसकंटिन्यू कर दिया. तो अगर आप उसकी प्रो मॉडल्स देखेंगे भी ना, तो वो प्रो मॉडल्स जल्द से जल्द डिसकंटिन्यू कर देते हैं. सिर्फ उनकी जो स्टैंडर्ड मॉडल्स होती है वो अभी भी सेल पे होगी. तो अभी भी आईफोन 11 अगर आप चाहते हैं ना, इट्स स्टिल एक्टिवली अवेलेबल ऑन देयर लिस्टिंग्स. तो ये एक चलती मॉडल है, जिसको हम बोलते हैं चलती मॉडल. तो उसके कारण आईफोन 11 की रीसेल वैल्यू वॉज टेक्निकली बेटर देन आईफोन 11 प्रो एंड प्रो मैक्स, एटलीस्ट माई 11 प्रो मैक्स. और मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके मन में सवाल होगा बैटरी परसेंटेज कितना था, वो खराब होगा शायद, इसलिए आपको रीसेल नहीं मिला. मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो बैटरी हेल्थ थी, बैटरी परसेंटेज वॉज एट 91%, एंड द बैटरी हेल्थ ऑफ द बैटरी परसेंटेज ऑफ द आईफोन 11 वॉज 81%, बट आई स्टिल गॉट 21,000 फॉर दैट एंड ओनली 32,000 फॉर माई फोन. अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई आपको एक गलत डील मिल गया, खराब डील मिल गया. भाई चाहे वो मैं आईफोन की साइट पे जाके ये करूं इसकी रीसेल वैल्यू, या फिर मैं कैशिफाई पे चला जाऊं, मेरे को वो सेम रीसेल वैल्यू मिल रहा था. तो ऐसा नहीं कि यू नो लोगों ने मुझे ठग दिया या मुझे एक बैड डील मिला. अब मैं क्या करता, मैं OLX में चढ़ा के इंडिविजुअली बेचना तो नहीं चाहता था. आई वॉन्टेड टू सेल इट थ्रू कैशिफाई और एप्पल की खुद की वेबसाइट. तो इन दोनों में भी मुझे अप्रोक्सीमेटली 35,000 या 30, एप्पल की वेबसाइट में आई थिंक अराउंड 32,000 ही दिखा रहा था. तो मैंने बोला चलो यार निकालते हैं. तो आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि रीसेल वैल्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द की reasons एज टू why मैंने सिर्फ एक स्टैंडर्ड 14 लिया, यानी 14 प्लस. मैंने प्रो वाली मॉडल्स नहीं ली,
क्योंकि अब मैं इस फोन को प्रोबेबली 2 या 3 साल बाद ही चेंज करूंगा, क्योंकि मेरी पिछली फोन की भी लाइफ साइकिल वही थी। 11 प्रो से मैंने जम किया है अब इस 14 प्लस पे। तो बस ये लास्ट एक बोनस रीजन भी मैं ऐड करना चाहता था, होपफुली दिस हेल्प्स एज वेल। तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे पता है आपके दिमाग में सवाल हो सकते हैं इन फोन्स को लेकर के, आप उन्हें कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा और मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है आप लोगों से कि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो डालूं YouTube पे, आपको अगर कोई सवाल पूछने होंगे, आई विल बी मोस्ट एक्टिव इन द फर्स्ट 2 आवर्स। मैं हाँ हर एक कमेंट्स का रिस्पॉन्स जरूर दूंगा, बट मुझे हेल्प मिलेगी आपकी अगर आप पहले 2 घंटे में आपके सवाल पूछ लें, क्योंकि देन आई कैन फोकस ऑन मोर कंटेंट, आई कैन फोकस ऑन अदर वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आना चाहता हूं। तो प्लीज एक बस रिक्वेस्ट है, अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट कीजिएगा बाय कमेंटिंग इन द फर्स्ट 2 आवर्स। पर हाँ हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स मैं जरूर आप तक पहुंचा दूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया मुझसे इन फोन्स को लेकर के इसके इनिशियल इंप्रेशंस वीडियो में, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड आई ऑलवेज वेलकम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। पर आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही, और मैं कहूंगा इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, पर जाने के पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ यू कुड हिट दैट लाइक और सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो रिलीज करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। सो फाइनली अगेन इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।